हे हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए लेके आए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं और नवंबर अटेम्प्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डैट आप इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का प्रिपेयर आप अच्छा से कर पाए, सो इसलिए 10 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें और इस जितने सारे क्वेश्चन हैं उसका आंसर आपको क्वेश्चन खत्म होने के लास्ट में आपको मिल जाएगी। सो डैट बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट। और सेकेंड क्वेश्चन आती है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट, या फिर इसके जगह पे आ सकती है, डिफाइंड कंसिडरेशन स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। डिफाइंड द कॉन्सिडरेशन स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्सिडरेशन। थर्ड क्वेश्चन, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। डिस्कस। फोर्थ क्वेश्चन आती है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। फिफ्थ क्वेश्चन आती है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स क्वेश्चन आती है, एक्सप्लेन द टर्म कोसी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सप्लेन द टर्म कोसी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेवन और क्वेश्चन आती है, एक्सप्लेन द टर्म कोअर्सन एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द टर्म कोअर्सन एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर एट नंबर क्वेश्चन आती है, ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सीव। हाउ एवर इन सम केसेस इवन ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मे इन्फोर्स ए क्लेम। एक्सप्लेन, ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सीव। हाउ एवर इन सम केसेस इवन ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मे इन्फोर्स ए क्लेम। एक्सप्लेन। फिर नाइन नंबर क्वेश्चन आती है जो कि डिफरेंस में है, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, इसका आंसर आप बुक से भी ढूंढ सकते हैं। और दस नंबर क्वेश्चन आती है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो इसमें तीन पार्ट में है। फर्स्ट हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में डिफरेंस, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और सेकंड डिफरेंस आ जाती है, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। और थर्ड आ जाती है, कोअर्सन एंड अंडू इन्फ्लुएंस। कोअर्सन एंड अंडू इन्फ्लुएंस। सो फ्रेंड्स, आंसर देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस चैप्टर पे कौन सा सब्जेक्ट से वीडियो चाहिए। सो हम लोग उस वीडियो को भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। सो चलते हैं सीधा आंसर की तरफ।